आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सिंध असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। अहम इजलास आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत जारी है। तिलावत कुरान पाक से इजलास का आगाज किया गया है। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने बोला कि अभी इजलास शुरू ना करें, ये हमारी मीटिंग नहीं हो सकती। मैंने कहा बैठ जाए, नासिर हुसैन शाह साहब को आने दें तो हम आपसे बात कर लेते हैं। ये बात हुई जब फिर आपके पास डेलीगेशन आ गया केपीके का, उधर से नासिर हुसैन शाह साहब ने मोहम्मद हुसैन से भी बात की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी बात की। इधर सर जैसे इधर खड़ा थे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आए, मैंने इनको बोला जी मेरी मोहम्मद हुसैन साहब से बात हुई थी और उन्होंने बात होकर ये बात तय हुई थी कि दो बजे हम मिलेंगे मोहम्मद हुसैन साहब, यही बात हुई थी। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इधर खड़े होकर मैं हल्फिया बोलता हूं, इधर खड़े होकर बोला आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, व्हेन आई डिसाइड आप किसी और से बात नहीं करोगे, आप किसी और मेंबर से बात नहीं करोगे। ये हल्फिया बात बोल रहा हूं सर, ठीक है, मुझे रिस्पेक्ट है, मैं मानता हूं। anyway, आप सब लोगों का लीडर है ये मैं मानता हूं। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने लीडर से बात करके बताइएगा कि आपको मीटिंग करनी है नहीं करनी है, मोहसिन साहब लीडर से पूछकर मुझे फोन किया करें। काइंडली इस मैटर पर मुझे ऐसे फोन ना किया करें। और सर जहां तक नामों की बात है सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब प्लीज काइंडली वो नाम दे दीजिए, हम भी दे देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी नाम मुझे भेज दें ताकि हम इसको अनाउंस कर दें हाउस में अपने। ठीक है सर, जब तक क्वेश्चन नाम चल रहा है अभी कर रहे और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सारी चीजें होती है आपस में दिल में नहीं रखना चाहिए, ये चीजें जज्बात में आके निकल जाती हैं, बट हाउस में तो वी शुड रिमेन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस। जी जी क्या मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हाउस सिंध असेंबली का इजलास जारी है। सिंध असेंबली में न्यूज वन की बंदिश के खिलाफ करारदाद पेश की जा रही है। सिंध असेंबली में न्यूज़ वन की बंदिश के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। सिंध असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेरे सदारत।